आगरा में होने वाला है, मैं इसमें एक पार्टिसिपेंट हूँ। आज मैं आपको मेरे किचन में ब्रेड पिज्ज़ा कुक करके दिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। मैंने एक बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है, एक बारीक कटा हुआ ऑनियन लिया है, एक बारीक कटा हुआ टमाटो लिया है, एक बाउल रवा लिया है, एक बाउल फ्रेश क्रीम लिया है। पानी जब हम ये सब मिक्स करेंगे तभी जितना चाहिए उतना हम लेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। फिर यहाँ पे मैंने बारीक पिसा हुआ गार्लिक लिया है, बारीक पिसा हुआ चिलीज लिया है, मैंने ये चटनी बनाया है ग्रीन चटनी, और मैंने सॉस लिया हुआ है, और मैंने कुछ ब्रेड लिए हुए हैं। तो अभी पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये सबको मिक्स करूंगी, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो, रवा, मलाई, जिंजर, मिर्ची जितना स्पाइसी के अकॉर्डिंगली डालना। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। ये वाले मिक्सर में मुझे जरूरत नहीं लगती है कि मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। पूरा मिक्स होने के बाद हम लास्ट में ही सॉल्ट डालेंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लास्ट में सॉल्ट डालते हैं, अदरवाइज जो वेजिटेबल्स है वो अपने पानी छोड़ देगा तो अपना पेस्ट बहुत पतला हो जाएगा। अभी इस पेस्ट को हम एक ब्रेड लेते हैं, ब्रेड पे हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा चटनी, चटनी के साथ ही अप्लाई करेंगे हम थोड़ा सा सॉस। फिर ये स्प्रेड लेके हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं पूरे ब्रेड पे, एक लेयर बनाएंगे। अब हम गैस ऑन कर देते हैं। गैस पे थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देते हैं ताकि ब्रेड चिपके नहीं, और ये ब्रेड हम इसके ऊपर, ये ब्रेड को हम ये साइड से 2 to 3 मिनट्स तक सेक लेते हैं जब तक ये थोड़ा क्रिस्पी नहीं हो जाता। ये ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं, ये नीचे से क्रिस्पी हो गया रहेगा। अब इसको धीरे से उठा के हमें टर्न करना है। ये देखिए, ये एकदम क्रिस्पी गोल्डन हो गया है। अभी स्लो फ्लेम पे हमें जो पेस्ट हमने बनाया था उसको कुक करना है। अगेन फॉर 2 to 3 मिनट्स हम ये कुक करेंगे। अभी ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो गए हैं और
हमारा ये ब्रेड पिज्जा रेडी हो ही गया रहेगा। मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, पूरा कुक हो गया है। मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसको मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं इसको ट्रायंगुलर पीसेस में कट करूंगी। जैसे आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए हैं। अभी ये दो ट्रायंगल्स को मैं एक डिश में निकाल लेती हूँ। एक स्पून चटनी लूंगी और एक स्पून सॉस लूंगी और ये दो को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये इसका एक स्पेशल स्प्रेड है, चटनी और सॉस मिक्स करके ही सर्व करना है, तो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। सो हमारा ब्रेड पिज्जा विथ द डिप रेडी है। अभी चीज ऑप्शनल है, सिंस बच्चों को चीज बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें, आप ग्रेटेड चीज भी डाल सकते हैं। मैं एक स्लाइस डाल रही हूँ चीज का और उसको भी मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ पिज्जा के साथ। अभी आप इसको अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हो या ऐसे ही, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी हमारा ब्रेड पिज्जा इज रेडी टू सर्व। थैंक यू।